हमारे साथ में डीवी सदानंद गौड़ा साहब हैं, कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करते हैं। गौड़ा साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगा अंग्रेजी हिंदी मिला करके आप बात करते रहें, तो मुझे पहले ये बताइए कि कैसी लड़ाई है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं, एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कि तो टफ है आपके लिए। आपको ग्राउंड पे आपने बहुत घूमे, आप पूरे कर्नाटक में बहुत मेहनत की है, क्या लग रहा है आपको? दी ग्राउंड रिपोर्ट हमारा पार्टी का कैडर दिया, उनके बारे में मुझे लगता है सर्टनली वी विल गो बियॉन्ड 115, बट एग्जिट पोल्स, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जिट पोल्स, ऑफ कोर्स वी फेस्ड, हमको बहुत रेजिस्टेंस था, इधर उधर रेजिस्टेंस था, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी था, मोदी का इमेज हमको थोड़ा पुश किया, मगर स्टेट इलेक्शन में स्टेट इश्यूज विल प्रिवेल, इसलिए थोड़ा इधर उधर फॉल्स एलिगेशंस हमारा कांग्रेस पार्टी ने किया था, वो थोड़ा इधर उधर हमारा ऊपर थोड़ा दबाव तो डाला। आपको सर अभी क्या लग रहा है कि आपको क्लियर मेजॉरिटी लग रही है या कुछ मेजॉरिटी से कम है सिचुएशन अभी जो स्थिति लग रही है आपको? सर मेरा ग्राउंड लेवल का हमारा पार्टी कार्यकर्ता का रिपोर्ट के आधार से हम मेजॉरिटी मैजिकल नंबर क्रॉस कर सकता है ऐसा लगता है, मगर इधर उधर हमारा इंटरनल थोड़ा इधर उधर फाइट, हमारा कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में इधर उधर थोड़ा गलती हुआ, वो सारा हमारा ऊपर लिटिल बिट एज बीजेपी का है, मगर द रिजल्ट्स ओनली टुमारो हमको। मतलब सर, अगर ये सब चीज़ें ना हुई होती, इंटरनल फाइट और कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती, तो आपका एकदम क्लियर होता अगर ये सब दिक्कतें नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा हमारा लोग इधर पूरा वो चीफ मिनिस्टर बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, वो ऐसा लोग थोड़ा पार्टी छोड़ के गया, ये थोड़ा हमारा ऊपर थोड़ा परिणाम हो गया वो कौन उनका सा वो नुकसान करने वाली बात नुकसान थी, करना वहाँ, जैसे जगदीश शेट्टर साहब गए? जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी, आयनूर मंजुनाथ, ऐसे कई लोग इधर उधर, उनको सीट नहीं मिला, इसको बाहर जाके थोड़ा हमारा ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाया, उसका नुकसान कुछ रहा? वो थोड़ा नुकसान होगा। मुझे एक बात सर और आप ये बताइए कि जेडीएस को लेके आपको क्या लगता है कि जेडीएस क्या साथ आ सकता है बीजेपी के? एडिशन हमारा नेशनल लीडर्स देंगे, प्रैक्टिकली जेडीएस टाइम एंड अगेन अपॉर्चुनिट्स है, वो सारा लोग उनको मालूम है, हंग असेंबली हो तो दे आर द किंग मेकर्स, देन दे विल मिस यूज, इसलिए अगली बार हमारा कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था इधर कर्नाटक में वो पूरा टूट गया, दिस जेडीएस वाला उनका इंडिविजुअल एजेंडा वो चालू करने के शुरू किया, जेडीएस कई बार ऐसा करता है, मुझे नहीं मालूम वेदर जेडीएस के साथ हमारा गठबंधन होने वाला है, मुझे नहीं मालूम है, आप क्या बट चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हो जाए, अगर सरकार बनाने में कुछ कमी हो तो जेडीएस साथ आ जाए? माई ओडिशन माई नहीं लंग ओडिशन बाई द सेंट्रल पार्टी, आपको मालूम है सारा स्टेट में कहीं कहीं स्टेट में हमारा स्ट्रेंथ में हम नहीं बन पा सकता है, उधर महाराष्ट्र एक एग्जाम्पल है, हमारा चीफ मिनिस्टर अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के गठबंधन का सरकार उधर है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का और पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन क्या है, हम वो डिसीजन के एक्सेप्ट कर। एक बात और बता दीजिए मुझे, वो सवाल आपसे है बासवराज बोम्मई के चेहरे को लेकर के, ये जो चेहरा लेकर के आप लोग गए हैं एज ए सीएम, जो अभी सीएम हैं, क्या ये चेहरा को भी कुछ नुकसान किया है? चूंकि बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो ही इज ए सोबर मैन, वो पूरा एडजस्टमेंट करना ये बहुत मुश्किल का काम है, अबाउट 17 पीपल वो कांग्रेस से आया और अबाउट 12 पीपल हमारा मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर बने थे, सो सारा लोग का समाधान करके आगे जाना, इधर उधर थोड़ा थोड़ा गलती होगा, हमारा कार्यकर्ता को थोड़ा
मन में गुस्सा आना, ये ऐसा थोड़ा इधर उधर डिफरेंस हो गया हमारा पार्टी को। मतलब चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत आरोप लगाए हैं करप्शन का। करप्शन, कांग्रेस वालों को करप्शन का आरोप करने का क्या राइट है? वो हमारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोला था, उनका सरकार कर्नाटक में था और दिल्ली में भी उनका सरकार, वो बोलते थे ओनली 15 पैसा विल रीच आउट टू द पीपल, 85 पैसा वेयर इट हैज़ गॉन, इट हैज़ गॉन टू द पॉकेट ऑफ कांग्रेस पीपल। बिकॉज ऑफ दैट ओनली वो लोग हमारे ऊपर वो दबाव डाला, नॉट इवन ए सिंगल आयोट ऑफ एविडेंस दे हैव गिवन टू अस सो फार, एंड नो कंप्लेंट हैज़ बीन लॉज्ड इन एनी वेयर, ओनली वेयर एलिगेशंस, आई डोंट थिंक दैट इट हैज़ वर्कड। कोड़ा साहब हमारे साथ हैं, ये उम्मीद जता रहे हैं कि जो रिपोर्ट आ रही है काडर की, वो रिपोर्ट ऐसी है कि बीजेपी मैजिकल फिगर पार कर सकती है। हालांकि ऑनेस्टली ये भी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों का नुकसान भी हुआ है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ बैंगलोर।